हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल होम रेमेडीज टीवी। मैं हूं मुस्कान और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी, तो पूरा प्रोग्राम एंड तक देखिएगा। इन टिप्स से आपके व्हाइट बाल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म तक आपके बाल ब्लैक रहेंगे। व्हाइट हेयर आपको किसी भी एज में हो जाते हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, हॉर्मोनल हो सकता है, या आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। आज की रेमेडीज जो हैं, उनमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जो आपके घर पर ही अवेलेबल होंगे और आप आसानी से इन 3 टिप्स को फॉलो कर सकती हैं और अपने बालों को हमेशा के लिए काला बना सकती हैं। तो जो हमारी पहली टिप है, उसमें हमको चाहिए आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये हमारे बालों को नरिश करेगा। नेक्स्ट हम लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लेंगे मेथी या फेनुग्रीक सीड्स, ये हमारे बालों को काला करने के लिए हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे कलौंजी या अनियन सीड्स हैं, ये भी हमारे बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉटल और बॉटल में हम लेंगे एक फनल, जिसके थ्रू हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये ऑयल जो है, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से ब्लैक कर देगा। हमें मेजरिंग स्पून चाहिए, 1/4 कप की मेजरिंग स्पून है। सबसे पहले हम इसमें मेजर करेंगे अपना आलमंड ऑयल। हमें चाहिए 1/4 कप ऑफ आलमंड ऑयल। अब हम लेंगे इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमको चाहिए 1/8 कप ऑफ कैस्टर ऑयल, यानी कि हाफ ऑफ आलमंड ऑयल। जितना हमने आलमंड ऑयल डाला था, उसका बिल्कुल हाफ हमको कैस्टर ऑयल चाहिए। कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक होता है, तो इसको हम अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेयर ऑयल बनाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ मेथी या फेनुग्रीक सीड्स। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये हमारे बालों को ब्लैक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ कलौंजी या अनियन सीड्स। ये भी मेथी की तरह से ही बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बालों को ब्लैक करने में हेल्प करेगा। कलौंजी की वजह से आपके बाल लॉन्ग टर्म के लिए ब्लैक होंगे। अब ये ऑयल मिक्स करके आप इसे धूप में रख दीजिए। इसको चाहिए 10 आवर्स ऑफ सन, तो आप सन में इसको 2 दिन के लिए रख दीजिए। 5 आवर्स ऑफ सन पर डे आप इसे देंगे, उसके बाद आपका 2 दिन में ये रेडी हो जाएगा। फिर आप इस ऑयल से अपने बालों की रूट्स में अच्छे से मसाज करें। बाल व्हाइट होना जड़ों से ही शुरू होते हैं। आप मसाज करें अच्छे से और 45 मिनट्स के लिए बालों में रहने दें। उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। आप जरूर मेरा होममेड शैम्पू इसके लिए यूज करें, वो आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हमारी आ गई है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में हम सबसे पहले लेंगे आंवला पाउडर। ये आंवला पाउडर बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए और ये बालों को ब्लैक करता है। और हमको चाहिए लेमन। लेमन बहुत ही अच्छा होता है, नरिश करता है और इससे बाल सफेद नहीं होते हैं। और नेक्स्ट हमारा है योगर्ट। ये हमने होममेड योगर्ट यूज किया है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है कैसे हम बनाते हैं होममेड योगर्ट। सबसे पहले हमको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। ये योगर्ट होममेड है, ये फुल फैट मिल्क का बना हुआ है, तो ये बालों को बहुत ही अच्छे से शाइन देगा। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर। ये आंवला पाउडर आपके बालों को बहुत अच्छे से ब्लैक कर देगा। ये बहुत ही नेचुरल और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को बेफिक्र होकर के यूज कर सकते हैं। ये आदमी औरत कोई भी यूज कर सकता है। अब इसमें हम लेमन डालेंगे। लेमन के सीड्स आप चाहे तो हाथ से निकाल दें,
या आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ हाफ लेमन जूस ही चाहिए इसमें। तो आप सीड्स इसमें निकाल दीजिए और अपना ये मिक्सचर जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आपका रेडी हो गया आपका ये हेयर मास्क। अब आप इसको अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अपने बालों में अच्छे से लगाएं। आप इसको रूट से लगाना शुरू करें और अपने बालों की पूरी लेंथ तक इसको कवर कर लें। इससे आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। 45 मिनट्स के बाद आप इसको होममेड शैम्पू से वॉश कर लें। नेक्स्ट हमारी है टिप नंबर 3। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है अगर आपको बाल अपने इमीडिएटली ब्लैक करने हैं। इसके लिए हमको चाहिए हिना पाउडर, इसको मेहंदी भी बोलते हैं, और हमको चाहिए आंवला पाउडर। हिना से आपके बाल रेड हो जाते हैं लेकिन आंवला डालने से आपके बाल अच्छे से ब्लैक हो जाते हैं। और हमको चाहिए ब्लैक टी लीव्स, और हमारा ये है विटामिन ई कैप्सूल। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा नेचुरल हैं और आपको बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी हैं। हमको इसमें सबसे पहले हम अपना टी लीव का वाटर बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ वाटर और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ चाय पत्ती या टी लीव्स। ये हम ब्लैक टी लीव्स ही इसमें यूज करेंगे। आप इसको स्टोव पे रख दें और हाई पे ऑन कर दें और वेट करें इसमें बॉयल आने का। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तो आप स्टोव को ऑफ कर दीजिए और एक स्ट्रेनर लेकर के अपने एक ग्लास में ये इसका पानी निकाल लीजिए। ये पानी आपके बालों को ब्लैक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और बालों में बहुत ही अच्छी शाइन लेकर के आएगा और आपके बालों के स्कैल्प की बहुत अच्छे से मसाज करेगा। अगर आप ये हल्का सा वार्म अपने बालों में लगाएंगे आपको बहुत अच्छी फीलिंग भी आएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 टेबलस्पून ऑफ हिना पाउडर। आप अपना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिना पाउडर ही खरीदें। मार्केट में बहुत तरीके के हिना पाउडर्स आते हैं जो आप पहले यूज कर चुके हैं या जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है आप वही वाला हिना पाउडर यूज करें। और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर। 2 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर ही आप इसमें डालें। तो आपको अगर ज्यादा बनाना है तो आप इसी रेशो में रखें, इससे आपके बाल अच्छे ब्लैक हो जाएंगे। और हमको चाहिए विटामिन ई कैप्सूल, ये आपके स्कैल्प के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन ई कैप्सूल इसमें हम सीजर से कट करके डालेंगे, उसके जो जूस उसका जो विटामिन ई का जो लिक्विड है वो उसी को हम यूज करेंगे और कैप्सूल को अलग कर देंगे। तो आप अच्छे से इसमें से विटामिन ई का लिक्विड निकाल लीजिए और अपने इसमें अपने मिक्सचर में डाल लीजिए। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे अपना टी लीव्स की लिक्विड जो हमने स्ट्रेन करके निकाली थी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालिएगा और थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको मिक्स करिए, क्योंकि हमको एक थिक पेस्ट ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। कई बार ये वाटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा बच जाता है, इसीलिए आप एक साथ सारा ना डालें क्योंकि ये बहुत ज्यादा वरना पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें इसको। तो ये आपका एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाना चाहिए जिससे कि आप आसानी से इसे अपने बालों में लगा सकें। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, ये रेडी टू यूज है। आप इसको अपना डायरेक्टली अभी यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और अपने पूरे बाल इसे कवर कर लें, इससे आपके बाल बहुत ही शाइनी और लंबे हो जाएंगे और ये बिल्कुल ब्लैक कर देगा आपके बालों को। ये आप ये हिना पाउडर मिक्सचर यूज करें तो आपके बाल इमीडिएटली ब्लैक हो जाएंगे, और हमारे बाकी ऑयल्स यूज करें उससे आपके बाल ब्लैक मेंटेन रहेंगे। 2 आवर्स के लिए इसको बालों में रखिए और उसके बाद सिर्फ पानी से इसको वॉश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थी 3 टिप्स, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।